हेलो दोस्तों, कैलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है जो हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। किसके माध्यम से? हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और हमने ये आप अगर इस ट्रिक को याद कर लिए तो हमें इस बात का हम कह सकते हैं कि आप जब एग्ज़ाम में आप ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बस आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। हमने तीन टॉपिक आज लिए। क्या लिए हैं? पाकिस्तान देश से सटे भारतीय राज्य और जिस पदार्थ का तना खाया जाता है और वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। तो अभी पुलवामा अटैक पर हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे पाकिस्तान से, तो यहाँ से हो सकता है। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी ख़त्म हो गया है, तो हमें लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि पाकिस्तान। आज पहला आपका ये है कि क्वेश्चन, पाकिस्तान देश से सटे भारतीय राज्य, और दूसरा है जिस पदार्थ का तना खाया जाता है, और तीसरा वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें। तो चलो हम समय बिना गंवाते हुए चलते हैं। आपके सामने आ रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से सटे भारतीय राज्य, तो भारतीय जो राज्य है जो पाकिस्तान देश से सटे हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। तो हम चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, देखिए ट्रिक क्या है, पंगु राज। बस आपको दो बार मन में याद करना है, पंगु राज, पंगु राज। आपने याद कर लिया तो आप इस चीज़ को बस हमें हमें नहीं लगता कि हमें राज्य भी बताने की जरूरत पड़ी, आप खुद भी वहाँ से निकाल सकते हैं पंगु राज। क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो 29 राज्य हैं उसमें से केवल एक ही ऐसा राज्य है जो पास से पड़ता है। कौन सा? पंजाब। पास है पंजाब, पंजाब यानी कि पंजाब राज पाकिस्तान देश की सीमा से मतलब सटा हुआ है। और गु से गुजरात और आर से राजस्थान, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जा से जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि ये जो चार राज्य हैं भारत के वो पाकिस्तान देश से सटे हुए हैं। बस आपको ये ट्रिक याद करने हैं, पंगु राज, और कुछ नहीं। राज तो आप अपने आप से ही निकाल लेंगे, आपको पता है भारत में 29 राज्य हैं, ये कट गया है। तो अब जम्मू कश्मीर को मतलब हटा दिया जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा। तो अब वर्तमान में अगर आएगा बनाया जाएगा तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया जाएगा, जम्मू और लद्दाख, यानी कि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे अब 9 हो जाएंगे। तो उन राज्यों में देखिए जो चार राज्य थे आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ राज्य कौन नहीं बस ट्रिक ही आपको याद है, पंगु राज। आप वहाँ से आसानी से निकाल लेंगे जब आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन पाकिस्तान देश से सटे कौन से राज्य है, बस एक चीज़ याद कर लीजिए, पंगु राज, वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो हम आगे इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक हमारे, ऐसे पदार्थ जिनका हम तना खाते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जिनका हम खाने में तने का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आरपीएफ, अभी एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है या आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका हम तना खाते हैं, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से, बहुत फनी ट्रिक है, हद कर दी आपने, ये ट्रिक है हद कर दी आपने। तो हम इसको कैसे याद करेंगे क्वेश्चन में हम देखते हैं। हद कर दिया आपने, ट्रिक हमको तो याद हो गया भाई, हद कर दिया आपने। ऐसे पदार्थ जिनका हम तना खाते हैं, हद कर दी आपने, ट्रिक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से ये हैं, हद कर दी आपने। हद से हो गया हमारा क्या, हद से हो गया हमारा हल्दी, हल्दी भी हम तने का, खाने में तने का प्रयोग करते हैं। कर से हमारा केसर हो गया, और दी से अदरक, यानी कि अदरक में दावड़ आ रहा है, आप जब लेंगे अदरक, हद कर दी आपने अदरक में भी, अदरक का हम तने का ही खाने का प्रयोग करते हैं। और आपने, आपने आ से क्या हो जाएगा हमारा आलू, देखिए आ से हमारा हो जाएगा आलू। और पा जो है, पा से हमारा क्या हो जाएगा, पा से हमारा हो जाएगा प्याज, पा से हमारा हो जाएगा प्याज, पा से प्याज हो जाएगा। और बचा लास्ट में क्या, आपने, ना से मतलब लहसुन, लहसुन भी हमारा खाने के, लहसुन का जो हम खाने में तने का ही उपयोग करते हैं। तो इसके बाद हमारा ट्रिक है, इसके बाद है ग्रीन हाउस गैसें, मतलब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? मीना का जलवा,
हमको बस ट्रिक याद करनी है, मीना का जलवा आपको वहाँ से खुद मिल जाएगा, मीना का जलवा। फिर हम देखते हैं मीना का जलवा से, देखते हैं माँ से मेथेन, माँ से क्या हो जाएगा हमारा मेथेन हो जाएगा, और ना से क्या हो जाएगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। माँ से मेथेन हो जाएगा और ना से नाइट्रस ऑक्साइड। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4, और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। मीना का जलवा यानी क्या, कहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। और कभी काल एग्जाम में पूछ लेता है CO2, CO जो होता है कैपिटल सी और कैपिटल ओ, इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, इसका रासायनिक नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था CO का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, और जलवाष्प से जल का वाष्प, जलवाष्प से जो जलवा, मीना का जलवा जल से जलवाष्प। और इसमें कुछ मात्रा में पाई जाती है ओजोन गैस भी। अगर ये चार नहीं मिले आपको ऑप्शन में तो ओजोन रहेगा, तो आप ओजोन पे भी लगा सकते हैं क्योंकि कुछ मात्रा में ओजोन भी पाई जाती है। और ओजोन को हम डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं? O3 से हम ओजोन को डिनोट करते हैं। ओजोन जो गैस होती है उसको हम O3 से डिनोट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ऐसे हमारे आपके अपने चैनल में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को जल्द से जल्द लाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लाओ। सेव ना किए गाओ, हमें सेवन किए मुझे हाई अटाइबे ना किया तो कैसे सेव।